चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी का ये मामला है। शहर के तमाम एहतजाजी स्पॉट्स क्लियर हैं, जुमान पार्क ताहाल बंद, जबकि लिबर्टी चौक समेत आम शाहराहों पर ट्रैफिक रवां दवा है। पीटीआई कारकुनान ने केनाल रोड को ताहाल बंद कर रखा है। इसी पर बात करेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। सियासी कुशीदगी के बाइस जो गुज़िश्ता रोज़ था मुल्क में लाहौर शहर में एहतजाजी मुजाहरे हुए, और आज जो सूरत हाल है वो इस वक्त शहर भर में जो है वो इस वक्त कारोबार और कारोबारी सरगर्मियाँ जो है वो रवा दवा है, जबकि ट्रैफिक की सूरत हाल भी रवा दवा है। तमाम स्पॉट्स क्लियर हैं सिवाय एक स्पॉट के, जो धर्मपुरा से जो नहर तक और नहर से धर्मपुरा तक है, जमान पार्क, जहाँ पे 3 से 4 किलोमीटर का रेडियस है, जहाँ पे तरीके इंसाफ के कारकुनान ने बाकायदा तौर पर इस रोड को ब्लॉक किया हुआ है और वहां पर ही एहतजाजी कैंप भी लगे हुए हैं। इस वाले से मौजूदा सूरत हाल में शहर भर में जो है वो इस वक्त सरगर्मियां मामूल के मुताबिक हैं, जबकि ट्रैफिक रवा दवा है। लिबर्टी चौक था, लिबर्टी चौक भी इस वक्त जो एहतजाजी जो है स्पॉट है वहां पर भी क्लियरेंस है। इस वाले से कमिश्नर लाहौर डिवीजन का कहना है कि शहर के दाखिली खारजी रास्ते भी क्लियर हैं और इस वाले से मामूलत जिंदगी जो है वो भी अब रवा दवा है और मामूल पर आ चुकी है। और कोशिश यही है कि तमाम शहर में जो है पुलिस का जो है इस वक्त जो हाई अलर्ट है और मौजूदा सूरत हाल में तमाम जो सूरत हाल है जो मुजाहिरीन है उनको मुंतशिर कर दिया गया है। और जो इस वक्त तरीके इंसाफ की आज के रोज में जो कॉल है लिबर्टी चौक, वहां पे अगर पुरअमन एहतजाज के हवाले से कहा जाएगा कि पुरअमन एहतजाज होगा तो फिर बैठने की इजाजत दी जाएगी, अगर ना हुआ तो इससे पहले जो है वो जिस तरह से एक NOC जारी किया जाता है उसके हवाले से पहले बातचीत की जाएगी, उसके बाद जो NOC जारी किया जाएगा। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका।